नमस्कार, आप देख रहे हैं गुप्त न्यूज। आज हम आपको बता रहे हैं कि डाक कामारिया क्या होता है। सुल्तानगंज से देवघर तक नंगे पांव 105 किलोमीटर की यह कष्टप्रद यात्रा कई तो बिना रुके 24 घंटे के अंदर ही पूरी कर लेते हैं। ऐसे को डाक कामर कहते हैं। इसकी दिनचर्या तो अलग ही होती है। ये जल भरकर सीधे चल देते हैं, रात दिन चलकर बाबा धाम पहुंचते हैं। रास्ते में ना तो रुकना है, ना तो सोना है और ना ही शंका का निवारण करना है। जो भी करना है जलाए वे अभिषेक के बाद ही करना होता है। रोजाना हजारों की संख्या में ऐसे डाक कामारिया रवाना होते हैं। बूढ़े जवान और महिलाएं कंधे पे कामर लेकर पैरों में छाले की परवाह किए बगैर ऐसे चलते हैं जैसे मानो कि कोई तकलीफ ना हो। रास्ते में इसके लिए बने उपचार केंद्र इसकी मरहम पट्टी करते हैं, फिर भी ये कामारिया अपना हौसला नहीं हारते हैं। धनवान हो या गरीब, रास्ते में सब एक जैसे होते हैं। मजाल नहीं कि कोई इस कामारिया को तंग कर ले। यहां बाबा का फौज एक साथ गलत करने वालों पर टूट पड़ते हैं और बोलबम का जयकार लगाते हैं। जो कामारिया 24 घंटा में पैदल चलकर जल चढ़ाते हैं उसे डाक कामारिया कहते हैं।